हाँ टूटा मेरा दिल टूटा। दिल आपका नहीं टूट सकता, तुम्हें कैसे पता? दिल आपका अच्छा है। तो लेकिन तोड़ने वाला तो कोई और है, मैंने खुद नहीं तोड़ा ना। ये है उर्फी जावेद, इन मोहतरमा का तो तुम लोग जानते ही होगे। इनके कपड़े ये खुद से नहीं बनाती, ये कुत्तों से कटवाती हैं। तो क्या करें भैया। तो इनके कपड़े कुत्तों ने आगे और पीछे से नोच कर पहले ही फाड़ रखा, तो हम भी वैदिक गंगा में डुबकी लगा ही लेते हैं। ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। ऐसा रिएक्शन किसी का भी हो सकता है, मेरा भी रिएक्शन कुछ ऐसा ही था। मैंने जब इन मोहतरमा को पहली बार इस ड्रेस में देखा था। अच्छा। इन मोहतरमा का तो काम ही है बच्चों को डराना। ये मोहतरमा ऐसी ऐसी ड्रेस बनाती है जिनको देखने के बाद आदमी बाबला हो जाता है। हो सकता है तुम भी ये वाली ड्रेस देखकर बाबले हो जाओ। चल बाजड़ी के। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। मैंने मान लिया यार कि ये फैशन डिजाइनर, इसका मतलब ये तो नहीं कि कुछ भी पहनकर चली आएगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैडम की बकचोदी यहीं पर नहीं खत्म होगी मेरे जिगर के, छोड़ो मैंने तुम्हारे हिलाने का जुगाड़ कर रखा है। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? सॉरी। मतलब तुमको एक बात और बतानी है, उर्फी जी की कुछ हवसखोर वीडियो भी है जो तुमको मैं नहीं दिखा सकता यहाँ पर यूट्यूब पर। अगर तुमको देखनी है तो मैं ब्लर करके दिखा दूंगा, लेकिन अगर तुमको एचडी में देखनी है तो जाकर इसके अकाउंट पर देख सकते हो इंस्टाग्राम वाले। अगर इस वीडियो को मैं ब्लर नहीं करता ना तो तुम्हारा बुरा हाल हो जाता, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मेरा तो बुरा हाल हो गया था, तन बदन में आग सी लग गई थी। कुछ भी, लेकिन इस बार तुम्हारा भी हाल बुरा होगा इस वाली वीडियो को देखने के बाद। अच्छा। थोड़ा मास्क उतार दो ना, इतना अच्छा चेहरा है, सच में अच्छा चेहरा है, मास्क उतार दो ना उर्फी जी। तुम लोग समझ नहीं रहे हो कि वो क्या बोल रहा है, वो मास्क हटाने को नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि अभी थोड़ा कम दिख रहा है और दिखाओ। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों, भगवान से डरो। है कोई नहीं, जब सामने वाला दिखा रहा है तो वीडियो को देखना बुरी बात ना है, देखो यार हम भी देखते हैं। उर्फी को एक बात बोलना चाहूंगा, उर्फी जी आप फैशन डिजाइनर है, फैशन डिजाइनर का मतलब ये नहीं कि आप ऐसे कपड़े बनाएंगे जिसमें बदन ज्यादा दिखे और छुपे कम। सो उर्फी जी मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कुछ ढंग के कपड़े भी बना ले और जिसमें तुम्हारा बदन ना दिखे, क्योंकि इंस्टाग्राम पर हफ्सी और ठरकियों की कमीना है। हाँ तो मादरचोद उसको जाके बोलना मुझे क्या बोल रहा है। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का।